हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूं। और आज मैं उड़द दाल की कढ़ी बनाना बताऊंगी, वो भी पारंपरिक तरीके से। और उड़द दाल के फ़ायदे भी मैं बताऊंगी कि ये कितना फ़ायदेमंद होता है। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी भी होता है, तो आज मैं सब उसके बारे में बताऊंगी। और ये आपको बता दें कि भारत के लगभग सभी स्थानों पर ये उड़द दाल पाई जाती है। और इसके जो उड़द दाल के जो छिलके होते हैं, ऊपर से काले होते हैं और अंदर से सफ़ेद होते हैं। तो चलिए बनाते हैं टेस्टी हेल्दी उड़द दाल के पकोड़े। तो उसके लिए देखिए, मैंने 3 से 4 घंटे उड़द दाल को भिगो के रख दिया है। और अब मैं इसका एक अच्छा सा पतला पेस्ट तैयार करूँगी। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छा इसका पेस्ट तैयार हो चुका है पतला, और इसमें से मैंने कुछ निकाल लिया है। और अब यहाँ पर ये जो मैं इसकी पकौड़ा बनाने के लिए मैंने काली मिर्च और अदरक और हल्दी डाल दिया है और नमक, तो ये सब चीज़ें डाल के और इसको अच्छे से मिला लेना है। तो जो इसकी बरियां बनेंगी बहुत ही अच्छी फुली फुली बनेंगी। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इसका जो इसकी बरी बनाना होता है तो इसमें फेंटने का एक तरीका होता है कि पहले सारे चीज़ मिला लीजिए और इसको एक दिशा में, जैसे ए राइट में घुमा रहे, एक ही दिशा में आपको घुमाते रहना है गोल गोल। तो इससे जो है बहुत ही अच्छे से जो इसकी बरियां बनेंगी खूब ही अच्छे से फूलती हैं। तो ये सब जो पारंपरिक तरीका है, जो दादी नानी जानती होंगी आपकी, वो बताएंगी कि ये इसको एक ही दिशा में घुमा घुमा गया जाता है तो इससे बहुत ही फूली फूली पकौड़ियाँ बनती हैं। चाहे अगर आप बेसन का भी बना रहे हों तो उसको भी फेंटने के लिए आप अच्छे से अगर फेंटेंगे तो उसकी जो पकौड़ी बनेगी खूब फूली फूली बनती है। तो 2 से 3 मिनट हो चुका है और ये अच्छे से ये फिट चुकी है। और अब मैं इसका पकौड़ी, जैसे आप पानी में भी डाल के चेक कर सकते हैं कि ये पकौड़ी की बनाने के लिए एकदम रेडी है कि नहीं, तो मैंने चेक कर लिया है। और इधर मैं इसको गैस पर कढ़ाई गरम कर दी हूँ और कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है और गैस का फ्लेम मैंने लो रखा है। और हाथों पे इसमें पानी लगा के ऐसे गोल गोल सेप करके मैं रखूँगी ताकि जो बरियाँ डालने में आसानी होगी। तो इस तरह गोल गोल करके आप रख लीजिए, या तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, गैस का मैं देख रही हूँ कि ये तेल जो है हल्का सा गर्म हो चुका है, तभी आपको ये डालना है। जब बहुत तेज़ी से गर्म हो जाएगा तो आप डालेंगे तो ये थोड़ा फटने लगेगा। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम लो ही, हल्का सा ही ये तेल गर्म हो, तभी ये सारी बरियों को डाल देना है। तो पूरी कढ़ाई में जितने भी मतलब पकौड़े आएंगे मैं उतना सब डाल दूँगी। तो ये देखिए, जहाँ जहाँ तेल मुझे लग रहा है कि यहाँ भी डाल देना है, वहाँ पर सारी बरियाँ मैंने डाल दी है। और जब इसको एक तरफ का पकने में 2 से 3 मिनट लगता है, तो इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और बहुत ही आराम से जब एक साइड का पक जाएगा तो चम्मच की सहायता से आपको पलट लेना है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी उड़द दाल के पकौड़े बनते हैं हमारे यहाँ। अक्सर 30 त्यौहार पर बनते हैं, तो उसमें थोड़ी जो जैसे जो बड़े लोग होते हैं वो बड़े बड़े टाइप में खूब बड़ा बड़ा बनाते हैं, फुलौरा उसको कहते हैं। तो यही उड़द दाल की जो बरियाँ होती हैं फुलौरा टाइप में, बहुत ही बड़ा बड़ा बनता है। तो ये देखिए, ये सारी बरियाँ जो पकौड़ा है बन के तैयार हो चुका है और मैं इसको अब प्लेट में निकाल लूँगी। तो ये देखिए, ये क्रिस्पी पकौड़ा एकदम तैयार हो चुका है। आप इसे गरम गरम ऐसे चटनी के साथ भी खाएंगे तो बहुत ही मज़ा आता है इसको खाने में। लेकिन मैं यहाँ उड़द दाल की कढ़ी भी बनाना बता रही हूँ। तो ये देखिए, सारी पकौड़ियाँ मैंने बना के निकाल ली है एक साइड में, और इधर जो आधा हिस्सा जो बचा था उसमें मैंने थोड़ा सा नमक मिला लिया है और थोड़ा हल्दी मिला दिया है। और ये देखिए, इस पेस्ट को मैं अच्छे से घोल के एक पतला पेस्ट तैयार कर लेना है। और यहाँ पर मैंने तेल को भी कम कर लिया है। और सबसे पहले तड़के में मैंने देखिए मेथी डाला है, और फ़ौरन में जीरा डाला है, कढ़ी पत्ता डाला है, लाल मिर्च डाला है। तो इससे जो कढ़ी का, जो मैंने बताया पारंपरिक कढ़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और हल्दी डाल दिया है। और ये सब जब अच्छे से ये तड़का पक जाएगा तो हम इसमें जो उड़द दाल का घोल मैंने तैयार किया है वो डालूंगी। और ये बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है, तो इसमें थोड़ा पानी मुझे और भी ऐड करना है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी कढ़ी बनती है, आप ज़रूर खाइएगा और कमेंट करके बताइएगा। तो इस कढ़ी को पकने में कम से कम 10 मिनट लगता है,
और इसको धीमी आंच पे हमको पकाना है। तो ये देखिए ये काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है और इसको मैंने कहा कि इसके धीमी आंच पे मुझे पकाना है। और अब मैं जो इसमें पकौड़े थे वो भी डाल दूंगी और 3 से 4 मिनट तक मैं इसमें और पकाऊँ। उड़द दाल की कढ़ी काफ़ी शक्तिवर्धक होती है, मतलब उड़द दाल काफ़ी शक्तिवर्धक होता है और इसको उचित मात्रा में खाने से आपको फ़ायदेमंद ही होता है। और यहाँ तक कि ये बालों के लिए भी उड़द दाल काफ़ी अच्छा होता है। तो ये देखिए बस मेरी ये उड़द दाल की कढ़ी तैयार हो चुकी है और अब मैं थोड़ा सा हल्का सा नमक डालूंगी। तो वैसे मैंने कढ़ी में शुरुआत में डाल दिया था नमक, लेकिन यहाँ पर मैंने जो पानी डाला था उसके लिए हल्का सा मैं नमक डालूंगी। तो मैंने इसमें नमक डाल दिया है और ये पारंपरिक तरीके से उड़द दाल की कढ़ी कैसे बनती है वो मैंने बताया है। और अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लूँगी। तो ये देखिए टेस्टी और हेल्दी उड़द दाल की कढ़ी तैयार है। आप इसको धनिया के पत्ते से भी सजा सकते हैं। तो देखिए मैंने इस पे धनिया का पत्ता थोड़ा सा डाल दिया है, बहुत ही टेस्टी होती है। आई होप कि आपको ये टेस्टी हेल्दी उड़द दाल की पकौड़ी और कढ़ी ज़रूर अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये उड़द दाल की कढ़ी कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड्स।